वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ के वेजिटेबल मार्केट में और सब्जी मंडी, काइंड ऑफ वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट और फ्लावर मार्केट होता है, लाइक प्लांट्स एंड फ्लावर मार्केट। वैसे तो कोरोना की वजह से हम लोगों को मास्क लगा के अंदर जाना पड़ेगा, बट लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आज अच्छे से देखते हैं। गाइस, सब्जी मंडी में घुसने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, वेजिटेबल और सब्जी मार्केट है या फिर फ्लावर मार्केट है, प्लांट्स मार्केट है, इसका कॉन्सेप्ट सीधा ये है। लाइक मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जो भी आसपास के जो भी किसान फार्मर्स होते हैं वो सीधे आके यहाँ पर शॉप्स लगाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसकी कद्र करते हैं और यहाँ पर आके लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स के प्राइजेस ज़्यादा दे के भी दे फील गुड, बिकॉज़ दे नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, फ्रेश आए हुए हैं, अभी आए हुए हैं आसपास से, तो थोड़ा पैसा दे के भी दे आर सेटिस्फाइड। तो हमारी जो सिटी है इसमें दो दिन लगता है, लाइक सैटरडे एंड वेडनेसडे। सैटरडे एंड वेडनेसडे लोग अपना प्लान करते हैं कि उन्हें कब आना है, मोस्टली आफ्टरनून तक लगता है, बजे तक। तो चलो अब हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ हैं, और भी चीज़ें दिखाऊंगी। अदर देन दैट भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे किसी को कुछ खाना है उसकी भी शॉप्स होती है, चीज़ की शॉप्स होती है, फ़िश मीट्स की शॉप होती है, फ्रूट्स आपको मैंने बताई दिए, वेजिटेबल्स बहुत टाइप ऑफ जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो सारे होते हैं, और जो भी आसपास उगता है वो सारे होते हैं, क्योंकि ये जो फार्मर्स होते हैं वो लोकली होते हैं। ये चर्च है और ये पूरा खाली होता है, बट बिकॉज आज मार्केट है इस वजह से ये पूरा भरा हुआ है। मोस्टली जो भी आसपास के लोग हैं वो लेने आए हैं, बट कभी मैं आपको विदाउट मार्केट दिखाऊंगी तो ये पूरी जगह बिल्कुल खाली होती है, एकदम खाली। बट नाउ देयर आर पीपल बिकॉज दे वॉन्ट टू बाय द वेजिटेबल्स एंड दैट्स ऑल्सो फ्रेश वेजिटेबल्स। जो पूरी साइड है यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, इस साइड फ्लावर्स हैं सारे, यहाँ पर मीट शॉप है, टी एंड गिव्यूर्जे लिखा हुआ है, और आगे चल के भी बहुत और सारी शॉप्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हनी और जो जैम्स वगैरह हैं उसकी शॉप है, ये यहाँ पर फ्रेश ब्रेड्स की शॉप है, देखो ब्रेड्स वगैरह लिखा हुआ है, फ्रेश ब्रेड्स, इवन एग्स वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ है।
अब ऑर्गेनिक फ्रेश ये सब तो मैंने बहुत बोल लिया, पर अगर मैं ये बोलूं कि 1 किलो टमाटर यहाँ पर लगभग 430 रुपीज पर किलो के हैं, एक ब्रोकली या एक गोभी जो है वो 420 या 430 रुपए की है, सुन के लगेगा यार इतना महंगा। पर यहाँ के लोग जितना पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से सब्जियां जो है वो ठीक रेट में है, पर यहाँ का जो मार्केट होता है लोकल मार्केट, वहां पर सब्जियां जो हैं वो महंगी मिलती हैं, डबल या ट्रिपल रेट की मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग 30 सेंट का है, तो अगर 10 एग लिए तो 3 यूरो के लगभग होगा, जो कि अराउंड 270 रुपीज का होता है, जबकि जो सुपरमार्केट है उसमें ये 2 यूरो का मिल जाता है, अराउंड 170 रुपीज। अब यहाँ पर लोकल लोग होममेड पास्ता, मतलब यहाँ का जो पास्ता होता है, फ्रेश मीट बेचते हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाता है। जो सीजन है वो कद्दू का सीजन है और बहुत बड़े बड़े कद्दू मिल रहे हैं यहाँ पर। अब ये वो दुकान है जो हम लोगों के लिए शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर कोटेड नट्स, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको बहुत सारे डिफरेंट तरीके से कोटेड किया जाता है और वो बिक रहे हैं, जो कि अगेन बहुत ही टेस्टी होते हैं। हाँ, और बिहाइंड द सीन इन्वेंट्री, मतलब अगर कुछ चीज खत्म हो जाए तो इनके पास उसका स्टॉक रहता है, पीछे बहुत बड़े बड़े जो है इनके व्हीकल्स रखे हुए हैं और उसमें सारा सामान होता है, तो खत्म होने का चांसेस ही नहीं है, बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे से ये सब प्लान करते हैं, दे नो दैट कि कितना बिकेगा। तो दे रहे हैं लाइक 1 kg इज फॉर 1 यूरो, 2.5 kg इज 2.20 यूरो, और 5 kg इज फॉर 4 यूरो। एलोवेरा भी मिल रहा है यहाँ, वाटरमेलन भी मिल रहा है। एलोवेरा ये 1 kg 4.90 यूरो, और ये 1 स्टुक मतलब एक पूरा 2.50 यूरो। Come back, we went out at night and day, we enjoyed our life. I remember in your car, because until we were tar, baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you. Guys, हमने सब्जी मंडी एक्सप्लोर कर ली है और आपको भी घुमा दी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ एलोवेरा बिक रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। लाइक दीपक, अपने एलोवेरा तो ऐसे ही मिल जाते हैं हर जगह, ऐसे ही पड़े मिल जाते हैं, पर यहाँ पर 1 किलो एलोवेरा 4.90 यूरो का मिल रहा है। 5 यूरो, 5 किलो था, 1 किलो, हाँ, 1 kg 4.90 यूरो, 400 रुपए के आसपास, 400 रुपए का एलोवेरा। तो देयर विल बी बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं जर्मनी में करने के लिए, एक्सपोर्ट कर लो। जो मैंने घूमते घूमते एक चीज यहाँ पर देखी, यहाँ पर वाटरमेलन भी इतने अच्छे नहीं आते हैं ना, और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स तो आते ही नहीं है, लाइक मैंगोज यहाँ वहाँ से एक्सपोर्ट लाइक इम्पोर्ट होते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे फ्रूट्स आते नहीं है, पर यहाँ के बहुत सारे ऐसे सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके बारे में कभी हम और एक तो कौन सा था यार, नाम भूल गया मैं, ऑरेंज, हाँ एकदम मीठा वाला, वही मैं बोल रही हूँ, कभी कभी जो डिफरेंट चीजें है ना वो कभी हम एक
सेपरेट वीडियो बना के उसमें सारे डिस्कस करेंगे। और आई होप ये वीडियो देख के आपको यहाँ की जो सब्ज़ी मंडी है वो पता चली हो कैसी हो। इवन छोटे से शहर में, छोटी तो नहीं है ये, बहुत बड़ी है, लाइक यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, पूरा चर्च है और चर्च के आसपास फैली हुई है। तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट मिली होगी कि यहाँ पर कैसा होता है, लोग कैसे सैटरडे और वेडनेसडे प्लान करते हैं और यहाँ पर आकर सब्ज़ी खरीदते हैं। दीपक, मैं अभी देख रही हूँ 1 किलो टमाटर 3.50 kg। हाँ, नॉर्मली 1 यूरो या 1.50 के मिल जाते हैं, पर यहाँ से लोग खरीद रहे हैं, तो मतलब 2 यूरो का डिफरेंस इज सो मच डिफरेंस। लाइक हम लोग वैसे फ्रेश खरीद लेते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें बिकॉज हम यहाँ नहीं आ पाते इस मार्केट में तो हम नहीं ले पाते, बट हम भी ट्राई करते हैं कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स लें। तो ओके, दिस इज़ द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन सा है। तो गाइस ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। क्यों, उससे क्या होगा? उससे सबको नोटिफिकेशन मिलेगा और वो मिस नहीं करेंगे, नहीं तो मिस हो जाते हैं यार वीडियो, तो उनको पता नहीं चलता वीडियो अपलोड हुआ। हाँ, अभी बेल आइकन दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इवन आई एम गेटिंग, हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं यार हमें नोटिफिकेशन नहीं आया। गाइस, नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो बेल आइकन जो छोटी सी घंटी है ना वो जरूर दबा दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।